अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। युग जी, पता है आपको, जब हम बचपन में ऐसे सुनसान रास्ते से गुजरते थे ना, तो हमें बहुत डर लगता था। रास्ते सुनसान नहीं, खूबसूरत होते हैं। ये क्या है? मुझे लगता है ये सब इन्होंने ही किया है। तुम ये क्या कर रहे हो? माल निकाल। क्या माल निकाल? जो कुछ है सब निकाल। कुछ मत देना इन्हें। नहीं नहीं, हम देते हैं, आप कुछ चाहिए ना। ये लीजिए। चल पर्स निकाल। तुम ये क्या कर रहे हो? ए, चुप, बैग दे। बैग ठीक। माही, जाने दीजिए ना, कोई नहीं। ये लो। ए, फोन दे, फोन दे। जबरदस्ती मत करो, मैं कह रहा हूँ, जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती मत करो। चल पर्स निकाल, तेरा पर्स निकाल। दे दीजिए ना युग जी, पर्स निकाल। चल दे दीजिए, फोन निकाल जल्दी। हम लोगों ने सब कुछ आपको दे दिया, अब हमें जाने दीजिए। जाने दे, चल चल रहे। ए, देखो हमारे पास जो कुछ भी था हमने तुम्हें दे दिया है, अब हमें जाने दो। ए, पकड़ सर, पकड़। छोड़ो मुझे। युग जी। ए, हाथ हटा लड़की से। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए दुपट्टा, छोड़िए मेरा दुपट्टा। दुपट्टा छोड़िए। मुझे छोड़िए, मुझे चलो माई। शुभ यहाँ पे क्या कर रहे हो? कमरे में चलो। शुभ ऐसे नाराज मत हो,
रात बहुत हो चुकी है, सोने चलो। तुम नशे में हो, तमाशा मत करो, जाके सो जाओ। मैं नशे में नहीं हूँ, समझे? शुभ चलो ना, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। जिद मत करो शुभ, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। इसे बचाना पड़ेगा। ठीक हो ना? टोकना तो बहुत बड़ा अशुभ होता है। अगर हमने ढूंढ के निकाला तो कुत्ते की मौत मरोगे। सुनाई नहीं दे रहा? खुद निकल आओगे तो हल्के में जाने देंगे, वरना सुन लिया है ना भैया जी क्या बोल रहे हैं? ए, हमें जितना इंतजार कराओगे उतनी ही बुरी तरह तुम्हारी बारात निकालेंगे। निकलो। हे भगवान, हमें सिर्फ आपका सहारा है। अपना आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखें। ग्यारह बज गए हैं, माही अभी तक घर नहीं आई है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? हे काना, माही पे और शुभ सर पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। Thank you.
है, डर कर भाग गए। चलो फिर भाग गए दोनों। चलो किसी और को ढूंढते हैं। क्या बात है, ऐसी क्यों बैठी हो तुम? कुछ नहीं बुआ। वो माही का कुछ पता चला? बुआ, मुझे माही के लिए बहुत चिंता हो रही है। अभी तक तो उसे यहाँ जाना चाहिए था, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? तो बहुरिया, तुम लल्ला को फोन करो, वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। नहीं दादी, शुभ सर इस वक्त शहर में नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। क्या करें बहुरिया, एक जवान लड़की देर रात तक घर नहीं लौटी, ये कोई अच्छे संकेत तो नहीं है ना बेटा। दादी, मैं एक काम करती हूँ, युग को फोन करती हूँ, वो हमारी मदद करेगा। वो भी ठीक है। क्या हुआ? दादी, युग का फोन भी बंद आ रहा है। इस लड़की के लिए बेवजह हम मुसीबत में फंस गए। अरे मैं तो कहती हूँ इतनी रात तक बाहर रहने की जरूरत ही क्या है, और फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। भाभी, आपके पास उनके ऑफिस का नंबर नहीं है क्या? उस पर फोन लगाइए। चुप क्यों हो, बताओ कोई नंबर, कोई एड्रेस। मुझे बस इतना पता है कि वो किसी होटल में काम करती है, वहाँ का एड्रेस, फोन नंबर, वो सब मुझे नहीं पता। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो मेरे साथ? अरे इतने दिन से वो बाहर जा रही है काम करने के लिए, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ उठती बैठती है, ये तुमको खबर नहीं है? आप लोग को नहीं लगता वो हमारी आजादी का बहुत फायदा उठा रही है? आने दो आज उसे, मैं भी देखती हूँ कल से घर से बाहर कैसे जाती। कनिका, उसे पहले घर तो आ जाने दो, फिर सोचेगी उसके बाद में कि क्या करना है। लगा माही इतनी लापरवाह नहीं हो सकती, जरूर कोई बात है। मैं तो जा रही हूं सुनी, आप लोग यहां बैठ के उसका टेंशन लीजिए, मुझसे नहीं होगा ये सब। जाओ अभी, आप परेशान मत हुए, मैं जाकर ढूंढ कर आती हूँ। नहीं नव्या, तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी? भाभी, यू फोन उठा नहीं रहा है, भैया शहर में नहीं है तो कौन जाएगा? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप जानती है ना, 24 घंटे से पहले पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उस माही के लिए परेशान, मैं जा रही हूँ युग को बर्बाद करने, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने। माही, माही होश में आओ, माही। इसका तो बहुत खून बह गया है, पहले मुझे इसका खून रोकना पड़ेगा।
होश में आओ माही। माही 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 होश में आओ। तो बहुत बुखार भी है, क्या करूं मैं? इसकी हालत मैं ऐसे बिगड़ने नहीं दे सकता। ये गुंडे अभी भी घात लगाए बाहर बैठे हैं, क्या करूं, कैसे मदद करूं माही की? माही तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैं वो लोग हमें मार डालेंगे। नहीं मारेंगे माही, मैं हूं ना, भरोसा रखो मुझ पे। कौन मदद करेगा मेरी इस सुनसानी रात में? कौन सुनेगा? माही होश में आओ। माही युग जी। माही माही तुम ठीक हो ना? हमें घर ले चलिए। हम जरूर घर जाएंगे माही, मैं तुम्हारे घर ले जाऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? गुनाही का एक भी सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, सारा एटीट्यूड एक झटके में खत्म हो जाएगा तुम्हारा।
नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? उठो बेटा, उठो सब ठीक है। हाँ मैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक है, उठो बेटा। हाँ मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठो बैठो इधर बैठो। पानी पियो, पानी पियो बेटा। क्या हुआ? कहाँ थे तुम? हम इतना परेशान थे तुम्हारे लिए। क्या हुआ? हम घर आने के लिए ऑफिस से निकले थे कि रास्ते में कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया। उन्होंने हमारी लूटपाट की, उन्होंने हमारा बैग, पैसे, मोबाइल सब कुछ छीन लिया वहाँ पे। और वो झूठ बोलने की एक सीमा होती है माही। तुम्हें क्या लगता है हमें दुनियादारी समझ में नहीं आती, इसलिए हमारे आंखों में धूल झोंक रही हो? अम्मा जी मैं तो कहती हूँ डांट खाने के डर से ये बहाने मार रही है।